तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो भाई आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बना के दिखाने वाला हूँ टेंट हाउस का बैनर कैसे बनाएं, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में मुझे काफी लोग कमेंट किए थे कि भाई एक जो टेंट हाउस का बैनर बना के दिखाओ। दोस्तों ये जो वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। इधर मैंने कैसे बैनर बनाया, जो बैनर आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। चलिए मैं आपको एक बार पिक्सल पिक्स को ओपन करके इधर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा बैनर है किस तरीके का है। तो इधर पे आप देखो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया हुआ, इसको कैसे बनाना है सब कुछ आपको जो इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। बस आपको करना क्या हो दोस्तों, बस आपको इस वीडियो जो एंड तक देखते रहना है, कैसे कैसे क्या करना है सब कुछ आपको जो इस वीडियो से ही देखने के लिए मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब आपने पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको जो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन जो दिखाई देगा। तो आपको ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको इधर पे थ्री डॉट का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके इमेज साइज के ऑप्शन क्लिक करना होगा। उसके बाद इधर पे इसका जो विड्थ लिखा गया दोस्तों जितना आपको उतना विड्थ इसका रहने देना है। उसके बाद आपको जो हाइट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करके हाइट जो कुछ भी लिखा है इसको हटाना है, और आपको इधर पे हाइट कुछ इस तरीके से टाइपिंग करके लिखना है। इसका हाइट जो आपको लिख लेना है 8.58 करके, लिखने के बाद आपको डन करके इधर पे जो ओके के नीचे ओके का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके करते ही आपको कुछ इस तरीके जो साइज़ इसका हो जाएगा। अभी आपको इस फोर्थ वाली ऑप्शन क्लिक करके दोस्तों आपको इधर पे एक कलर का ऑप्शन दिखाई देगा पहले नंबर पे, इस पर क्लिक करके इधर पे आपको कलर के ऑप्शन क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इसमें जो ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन जो उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको जो कुछ इस तरह से आपका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। अभी आपको जो न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस पर आपको इधर पे आपको डिलीट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, और इधर मैं जो कुछ भी इमेज यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि जो कुछ भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सभी का आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको इसको इधर पे ओपन करना होगा कुछ इस तरीके से। ओपन करने के बाद आपको इधर पे थर्ड वाले ऑप्शन क्लिक करके इधर पे आपको चले जाना है रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे, और इसका हाइट विड्थ जो है आपको 100 तक रखना है। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस लेयर के ऑप्शन जो उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर पे लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा लेयर के ऊपर ही, तो आपको इसको क्लिक करके इस लेयर को लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से। अभी आपका जो बैनर जो पोस्टर यानी कि बैकग्राउंड जो कुछ बोल सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी आपको इधर पे करना क्या है दोस्तों, अभी आपको इधर पे जो कुछ भी लिखना रह गया है बाकी को तो टेक्स्ट ही लिखना रह गया है, बस आपको इसमें जो एक और शेप क्रिएट करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा, शेप पर जाना है। जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से जो है एक शेप दिखाई देगा, इधर पर आपको कुछ इस तरीके से इसको शेप को करना है, और इधर से भी इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ाना है, और इसका साइज ऊपर से थोड़ा सा कम कर देना है कुछ इस तरीके से। कम करने के बाद दोस्तों आपको इधर पर जो रेडियस का ऑप्शन है आपको उसको थोड़ा सा 5 के आसपास रखना है, या 6 भी कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर राइट के ऑप्शन जो क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस जो शेप है आपका यहाँ पे इसको रखना है कुछ इस तरीके से। अभी दोस्तों इतना काम करके हो चुका है, अभी आपको प्लस आइकन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी जाना है, और हाँ आपके जो भी टेंट हाउस है आपके पास उस टेंट हाउस में आपके पास जो भी सामान है आपके पास यहाँ टेंट हाउस में जो भी काम होता है आप उसका फोटो अगर आपके पास है तो फोटो को लगा सकते हो। तो मेरे पास इधर पे कुछ मैंने इमेज को डाउनलोड किए हुए, चलिए मैं आपको उसको सेट करके इधर पे लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला फोटो लगाना है, फोटो लेने के बाद आपको जो इधर पे जो ऊपर देख रहे हो 1x1 साइज़ है, आपको उस साइज़ को सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करना है, उसके बाद आपका साइज़ कुछ इस तरीके दिखाई देगा, आपको इसका साइज़ कुछ इस तरीके छोटा करना होगा। आपको छोटा करने के बाद आपको इसके नीचे जो भी आपका ये जो शेप है उसके नीचे आपको लाके रखना है। उसके बाद आपको इधर पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको जो इसका स्ट्रोक कुछ इस तरीके 3 के आसपास या 2 भी रख सकते हो आप। उसके बाद राइट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपका जो इधर पे नीचे इमेज भी सेट हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आपके जो टेंट हाउस में जो भी काम होता है या आपके पास जो भी टेंट हाउस है जो भी इमेज है आपके पास, ऐसे आपको जो सेट कर लेना है लाइन से जो भी जितना भी जगह बचा हुआ है ऐसे आपको सेट करना है। और चलिए भी बात करते हैं इधर पे आपको लिखना कैसे दोस्तों, और मैं आपको इधर पे जो एक ही बार लिखना बताऊंगा, और आपको वैसे जितना भी सारा मैंने अपने बैनर में लिखा होता है स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया वो सारी चीज़ आपको वैसे ही लिखना है। तो चलिए फटाफट मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपको टेक्स्ट को लिखने के लिए दोस्तों एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर, या इसको मराठी फॉन्ट कन्वर्टर बोल सकते हो। इसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इधर पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन है, चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। और जैसे आप इसको ओपन करोगे दोस्तों तो आपका इसका जो होम पेज है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आपको इधर पे आने के बाद आपको इधर पे पहला जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है यूनिकोड टू श्रीदेव करके, तो आपको उस ऑप्शन को जो सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, अभी ऊपर देख सकते हो लिखा गया टाइप यूनिकोड टेक्स्ट हियर, तो आपको उस पर टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे तो आपका जो कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, तो आपको जो अपने कीबोर्ड को हिंदी में रखना है कुछ इस तरीके जैसा मेरा हिंदी में देख सकते हो आप, तो आपको हिंदी में रखना है। और हिंदी में रखने के बाद जैसे मैंने अपने बैनर में जो कुछ भी लिखा था हिंदी में, जितना भी सारा लिखा हुआ था हिंदी में, आपको उसमें से जो कुछ भी लिखना है दोस्तों आपको इधर पे जो टाइपिंग करके लिखना होगा। जैसे मैं मान लीजिए अपना नाम इधर पे लिखता हूँ सौरभ, टेंट हाउस लिखा मैंने, उसके बाद मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको इधर पे जो यूनिकोड श्रीदेव का ऑप्शन दिखा देगा, आप उस पर क्लिक करके जो इधर पे कॉपी का ऑप्शन दिखा देगा इस पर क्लिक करके इसको कॉपी करना होगा। वापस से आपको जो अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आना है, तो इधर मैं अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। आने के बाद आपको इधर प्लस से आइकन है, इस पर क्लिक करके टेक्स्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपके सामने इधर पे एक न्यू टेस्ट आ जाएगा। इस पर आपको इसका साइज बढ़ा के कुछ इस तरीके से इस पर आपको डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपने जो उस एप्लीकेशन से कॉपी किया उसको इधर पे पेस्ट करके उसके बाद आपको इधर पे डन करना है, उसके बाद ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको करना क्या है, अभी आपको इसमें जो फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा इसके लिए एक ऑप्शन क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद आपको जो इस फॉन्ट के ऑप्शन क्लिक करना है और इधर पे माई फॉन्ट के ऑप्शन में जाना है। और हाँ, अगर आपको ये पता नहीं है कि पिक्सेल एप्लीकेशन में फॉन्ट को ऐड कैसे करते हैं तो उसके लिए मैंने जो एक पर्सनल में वीडियो बना दिया हुआ है कि पिक्सेल एप्लीकेशन में फॉन्ट को ऐड कैसे करें, हाउ टू ऐड फॉन्ट इन पिक्सेल एप्लीकेशन, ऐसे करके मैंने कुछ जो वीडियो बनाए हुए। तो अगर आपको नहीं पता है कि पिक्सेल एप्लीकेशन में फॉन्ट जो ऐड कैसे करते हैं तो जाके आपको उस वीडियो को देख लेना है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इधर पर चलिए मैं जैसे इधर से मैं कोई फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, इधर मैं जैसे अपने बैनर में, यानी कि मैंने अभी आपको जो स्टार्टिंग में अपना बैनर दिखाया उस बैनर में जो भी मैंने फॉन्ट यूज किया था, ऐसा नहीं कि आप जो वही फॉन्ट यूज करो, आपको जो भी फॉन्ट पसंद है आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको जो है कई सारा लगभग आपको 700-800 फॉन्ट मैं आपको दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कीजिए और उसी फॉन्ट को आप जो भी फॉन्ट आपको पसंद आता है उसमें से आप वो फॉन्ट को यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल के लिए चलिए ये फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए ये वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इधर पे नीचे ओके ऑप्शन क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ाता हूँ मैं इधर पे। और बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे करना है, आपको इधर पे एक कर्व का ऑप्शन दिखाई देगा, इधर पे आप देख सकते हो, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर बेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसको कुछ इस तरीके से बेंड करना होगा अपने टेक्स्ट को। बेंड करने के बाद आपको ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर पे साइज के ऑप्शन क्लिक करके इसका साइज जैसा भी आपके पास स्पेस बचा हुआ है, जगह बचा हुआ है, आप साइज बढ़ा सकते हो इधर पे कुछ इस तरीके से। बढ़ाने के बाद आपको ऊपर जो राइट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टेक्स्ट जो दिखाई देगा। दोस्तों ऐसे ही आपको जितना भी काम इधर पे बाकी है, अभी आपका टेक्स्ट लिखना बाकी रह गया है, तो सारे टेक्स्ट को आप इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जाइए दोस्तों अभी बनाइए, चलिए मैं आपको एक बार अपने बैनर में लेके चलता हूँ। तो इधर मैंने देख सकते हो कुछ इस तरीके से बनाए हुए इधर पे आप देख सकते हो, बस खाली आपको जो टेक्स्ट ही लिखना बाकी रहेगा, जो कुछ भी करना था इंपॉर्टेंट, जो कुछ भी बताना था बैनर में वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, तो बस आपको टेक्स्ट ही लिखना बाकी है। तो जाइए आप भी दोस्तों बनाइए टेंट हाउस का बैनर, जो कुछ भी बताना था मैंने आपको सब कुछ वो चीज़ बता दिया। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।